15 अगस्त 1947 को देश भले ही आजाद हुआ हो, लेकिन भिवानी जिले के गांव रोहणात आज आजाद हुआ है, क्योंकि आज रोहणात में तिरंगा फहराया गया है। दरअसल 1857 की क्रांति में गांव रोहणात पर अंग्रेजों ने जुल्म ढाए थे। आजादी के बाद भी यहां के लोगों को उनकी जमीन नहीं मिल पाई थी। इसी के चलते गांव के निवासी पिछले 70 सालों से झंडा नहीं फहरा रहे थे। मुख्यमंत्री ने आज खुद गांव रोहणात में पहुंचकर पहली बार गांव में तिरंगा फहराया। जो इस गांव के इतिहास की सारी जो कहानी है उसको बयां करते थे, उसके बाद मैंने उसको ध्यान किया कि आखिर हमारी पिछली सरकारों ने ये काम क्यों नहीं कराए हैं। कुछ प्रयत्न किए भी होंगे, लेकिन एक जिस शिद्दत से, जिस एक संकल्प से चीज़ों को करना चाहिए था, वो कभी किसी ने नहीं किया। तो मन में आया कि नहीं, इसको करूंगा। पिछले मुझे 26 जनवरी को आना था, लेकिन एक दुर्घटना के कारण से मैं यहाँ नहीं आ पाया। और इस दिन इससे बड़ा और कोई विषय नहीं हो सकता मेरे लिए कि एक हरियाणा का गांव जो अपने आप को गुलाम कहता था और उसने अपने आप को आज़ादी की मुख्य धारा में जोड़ा। अभी विकास की बातें, यहाँ के लोगों की जो मांगे होंगी उनको सब पूरा करेंगे। इस गाँव को 70 साल के बाद एक प्रकार का उसका भाव जो है आज आज़ादी का, जैसे बाकी देश के लोग हैं उसी के समान बने, इसका हम पूरा प्रयत्न करेंगे। और इसके लिए इस गाँव की किसी बात को पीछे नहीं रखेंगे। गांव रोहणात के लोगों की शहादत पर एक प्रेरणादायक फिल्म बनाई जाएगी, जिसका खर्चा खुद हरियाणा सरकार वहन करेगी। इतना ही नहीं, रोहणात के गौरवशाली इतिहास से बच्चों को अवगत कराने के लिए पाठ्यक्रम में एक अध्याय जोड़ा जाएगा।